नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के 86 में। दोस्तों आपको बता दें कि आज 9 फरवरी को एक अपडेट हुआ है यहाँ पे वैकेंसी और आपके केंद्रीय भंडारण निगम लिमिटेड से लेकर, जी हाँ दोस्तों, सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन से निकली है कुल 571 पदों की भर्ती। दोस्तों जो भी छात्र 10th पास हैं और प्लस ITI किया है उन्होंने, उन सब के लिए एक अच्छा और सुनहरा अवसर है। देखिए यहाँ पे सिर्फ ना तो मैं 10th पास की बात कर रहा हूँ ना तो सिर्फ ITI की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे कुछ ऐसे पोस्ट भी हैं जो कि मैनेजमेंट ट्रेनी है, असिस्टेंट इंजीनियर्स की है जो कि सिविल वाले भर सकते हैं, सिविल इंजीनियर्स वाले, असिस्टेंट इंजीनियर इन इलेक्ट्रिकल है और अकाउंटेंट का पोस्ट है, बहुत सारे पोस्ट है, जूनियर टेक्नीशियन का भी पोस्ट है। इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे आज आपके सामने इस पूरे वीडियो में। तो दोस्तों जो भी कैंडिडेट हैं, जी हाँ जो भी कैंडिडेट हैं इन सब के लिए एलिजिबल, वो अपना सभी काम छोड़कर इस फॉर्म को जरूर भरे 15 तारीख से। जी हाँ 15 फरवरी से इसका भरने का जो डेट है वो आ चुका है, अनाउंस हो चुका है। और आपको बता दें कि 15 फरवरी से लेकर ये 16 मार्च तक चलेगा सेशन इसका फॉर्म भरने का, तो एक महीना पूरा का पूरा टाइम मिल रहा है आप सभी को इस फॉर्म को भरने के लिए। पर आपको करना है सबसे पहला काम यही कि इसके फॉर्म को रजिस्टर करके भर लेना है अगर आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं तो। चलिए और कौन कौन से यहाँ पे वेरियस पोस्ट हैं इन सब के बारे में हम जानेंगे इस पूरे वीडियो में, अंत तक बने रहिएगा। और जो भी छात्र हमारे देखिए चैनल पे नए हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पे आते हैं तो सब्सक्राइब के इस रेड कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करते ही एक बेल का आइकन आएगा उसे भी दबा लें ताकि हर वीडियो का पल पल का खबर आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से जा सके। दोस्तों बिहार से जुड़ी हर वो खबर लेकर आते हैं आपके लिए। और आज जो सुबह की खबर है ये देखिए, इसका नोटिफिकेशन नहीं जा पाया था तो आप लोग सभी देख लीजिएगा, यहाँ पे जो कैमूर जिला से रिलेटेड एक वीडियो डाला था मैंने ATM BTM और अकाउंटेंट के ड्राफ्ट मेरिट लिस्ट को लेकर, तो जो भी छात्र इन्होंने नहीं देखा है इस वीडियो को जरूर देखेंगे। और चलिए अब मैं बात कर रहा हूं इस पोस्ट की जो कि सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन रिक्रूटमेंट के जरिए आया है कुल 571 पदों के लिए। दोस्तों आपको बता दें कि ये 15 तारीख से इसका लिंक एक्टिवेट हो जाएगा इस फॉर्म को भरने के लिए, तो रजिस्ट्रेशन करना होगा कब से, तो 15 तारीख से, याद रखिएगा। मैं फिर से एक बार इंटीमेट कर दूंगा वैसे कि इस फॉर्म को जल्दी से जल्दी भर लीजिए क्योंकि इसका डेट ओपन हो चुका है। और यहां पे आपको बता दें कि चलिए हम आपको इसकी नोटिफिकेशन पर लेकर चलते हैं सबसे पहले, तो जो कि इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया है। देखिए दोस्तों आपको बता दें कि कुल जो पद हैं यहाँ पे ये 571 पदों की भर्ती हैं और बहुत ही कह सकते हैं कि मतलब बड़े पैमाने पे है इस पोस्ट में निकली हुई भर्ती। चलिए हम जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो सारी बातें हम आपको बताना चाहते हैं, हम बात करेंगे इस पोस्ट की भर्ती के लिए। तो सबसे पहले बात कर लें कि वेयर हाउसिंग एवरीवेयर, जहाँ पूरा ऑल ओवर इंडिया जॉब है, ये कहीं भी आपका ये ट्रांसफ़र कर सकता है अगर आप इसमें सेलेक्ट होते हो तो। सबसे पहली बात करें कि जो पोस्ट निकले हुए हैं जैसे कि मैनेजमेंट ट्रेनी है, इसमें टोटल 30 पोस्ट हैं जिसमें SC ST OBC और जनरल के लिए कुछ सीटें बताई गई हैं कैटेगरी वाइज। वहीं पे इसका जो पे स्केल है ये 50,000 से 1,60,000 तक का है सैलरी, ठीक है। अब ये 50,000 से क्या हो सकता है, तो ये रिमिनट्रेशन, जी हाँ यहाँ पे बात कही गई है कि 54,400 आपको सैलरी दी जाएगी और ये सैलरी बढ़ के हो सकती है 1.5 लाख तक आपकी, ठीक है ध्यान रखिएगा। चलिए आगे हम चर्चा करते हैं इसकी एज क्वालिफिकेशन की, तो ये 16/3/2019 का भी एक बेस रखा गया है जिसके ऊपर आपका एज जो होना चाहिए इस पोस्ट को भरने के लिए 28 साल होना चाहिए मैनेजमेंट ट्रेनी के लिए। चलिए अब दूसरा हम बात कर लेंगे मैनेजमेंट ट्रेनी टेक्नीशियन, ठीक है। अब टेक्निकल, सॉरी माफ़ कीजिएगा, ये जनरल के लिए था, ये टेक्निकल के लिए, तो टेक्निकल में सिर्फ आपको एक ही सीट दिया गया है वो भी अनरिजर्व यानी कि जनरल कैटेगरी के लिए। और यहाँ पे भी इनकी सैलरी सेम है 5400 की पदों की। फिर बात कर लेंगे एज की, तो 28 साल का एज का यहाँ पे रखा गया है क्राइटेरिया। असिस्टेंट इंजीनियर सिविल, तो ये एक अच्छा पोस्ट है, यहाँ पे 18 पदों की भर्ती है और इनकी सैलरी हो सकती है 40,000 से 1.5 लाख तक की सैलरी इनकी भी हो सकती है लमसम, ठीक है। अब इनकी एज की बात कर ले तो यहाँ पे 30 साल तक इनका एज लिमिट रखा गया है और 16/3/2019 जो है आपका बेस होना चाहिए। अगला हम चर्चा कर लें कि दो असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए जो पोस्ट निकला है और असिस्टेंट इंजीनियर जो सिविल के लिए पोस्ट निकला है, यहाँ पे दोनों में सिमिलरिटी इतना ही है कि ये सब कुछ यहाँ पे सेम है, यहाँ पे एज वगैरह सब कुछ सेम है, बस 18 पोस्ट इसमें निकले हैं और इसमें 10 पोस्ट निकले हैं, ठीक है ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रिकल में 10 हैं और सिविल में 18 हैं।
अकाउंटेंट अगर लेखापाल की बात कर ले हम यहाँ पे, तो अकाउंटेंट का जो है यहाँ पोस्ट 28 है और इसकी सैलरी बताई जा रही है यहाँ पे 40,000 से 1,40,000 तक। जी हाँ, और इसका भी सेम एज क्राइटेरिया है 30 साल का। वही बात कर ले सुपरिटेंडेंट की, तो सुपरिटेंडेंट जनरल में अगर बात कर ले तो टोटल 88 पोस्ट की भर्ती है जिनका सैलरी और एज दोनों ही सेम सिमिलर है पिछले यानी कि अकाउंटेंट से ही, ठीक है, सुपरिटेंडेंट इन जनरल। और वहीं जूनियर सुपरिटेंडेंट यानी कि जो टेक्निकल में आ जाते हैं इनके लिए कुल 155 पदों की भर्ती है। तो ये बम्पर भर्ती जो है खासकर टेक्निकल जो कैंडिडेट हैं उनके लिए निकाली गई है। तो यहाँ पे इसकी सैलरी देखिए है 11,200 से लेकर 30,000 तक की सैलरी है और 30 साल तक का आपका एज क्राइटेरिया रखा गया है। दोस्तों हम बात करें हिंदी ट्रांसलेटर की, जी हाँ हिंदी ट्रांसलेटर जो है उनके लिए 3 पोस्ट निकले हैं और इनका भी 11,200 से लेकर 36,600 तक का है और 28 साल तक इसका एज लिमिट है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इन सब बातों पे, जो भी निकला हुआ है वैकेंसी उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। वहीं बात कर लेंगे हम जूनियर टेक्निकल टेक्नीशियन असिस्टेंट की, तो उनके लिए कुल 238 पद, सबसे ज़्यादा पोस्ट निकाली गई है JTA के लिए। जी हाँ, JTA का जो पोस्ट है जूनियर टेक्नीशियन टेक्निकल असिस्टेंट का, इसमें पोस्ट ज़्यादा है और इसका 28 साल तक का एज रखा गया है जिसमें 10,500 से लेकर 28,690 तक की आपकी सैलरी बन सकती है। दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पे जो रिजर्व सीट है मतलब जो कुछ आरक्षण के लिए जो कि एक सर्विस मैन को दिया जा सकता है यहाँ पे, तो उनको बता दें कि जूनियर सुपरिटेंडेंट के लिए 22 पोस्ट इनके लिए आरक्षित रखा गया है, हिंदी ट्रांसलेटर के लिए 1 सीट और जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट यानी कि JTA के लिए 34 सीट यहाँ पे इनको आरक्षित रखा गया है। किसके लिए? तो एक सर्विस मैन के लिए। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का ध्यान दीजिएगा, बाकी इसमें कुछ है नहीं। 15 तारीख से आपको बता दें कि यहाँ पे इसकी 15 से लेकर 16 मार्च तक इसकी वैकेंसी का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा। पेमेंट जो होगा आपका वो ऑनलाइन पेड कर सकते हैं आप। इसका जो कॉल लेटर है आप निकाल सकते हैं एग्ज़ाम के 7 दिन पहले और ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो टेंटेटिव डेट है ये 1 अप्रैल और 2 मई में बताया जा रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए, और डाउनलोड कॉल लेटर के लिए बताया जाएगा यहाँ पे, इंटीमेट आपको कर दिया जाएगा आपके ईमेल और आपके मोबाइल नंबर पे, सारी चीज़ें देख लीजिएगा ध्यान से। अब थोड़ी सी चर्चा कर लें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या होना चाहिए, यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि कैंडिडेट इंटेंडिंग द अप्लाई फॉर द ऑनलाइन टेस्ट इंश्योरिंग दे फुलफिल द मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। और क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इन सब के बारे में एजुकेशन क्वालिफिकेशन नेशनलिटी और आपका एज क्राइटेरिया सब कुछ मैंने बताया है यहाँ पे। तो थोड़ा सा एजुकेशन पे ध्यान दे दें, जो कि एजुकेशन ज़रूरी है जानना कि किन कौन सी पोस्ट के लिए कौन कौन सी यहाँ पे डिग्री चाहिए। देखिए, मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए आपको बोल रहा है कि डिग्री विद द फर्स्ट क्लास मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि MBA ज़रूरी है इस पोस्ट को भरने के लिए। ठीक है, कौन कौन से ट्रेड में, तो ये ट्रेड आप देख सकते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन और मार्केटिंग मैनेजमेंट और सप्लाई चेन मैनेजमेंट, इन सब में हो सकता है आपका डिग्री, तो आपको ज़रूरत है। और फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं, देखिए एक्सपीरियंस यहाँ पे नील मांगा जा रहा है तो फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। वही बात कर लें मैनेजमेंट ट्रेनिंग टेक्निकल की, तो फर्स्ट क्लास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एग्रीकल्चर विद द एंटोनॉमी और माइक्रोबायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री और फर्स्ट क्लास पोस्ट ग्रेजुएट इन बायोकेमिस्ट्री और या फिर जूलॉजी विद द एंटोनॉमिलॉजी फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो ये सारी चीज़ें हैं आपकी। वेयर हाउसिंग में भी आपका कोल्ड चेन मैनेजमेंट में अगर आपने किया है तो भी आप यहाँ पे इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये वेयर हाउस के लिए भी निकला हुआ है पोस्ट। और आपको बता दें कि असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के लिए डिग्री चाहिए सिविल इंजीनियरिंग की, एक्सपीरियंस भी नहीं रहेगा तो भी चलेगा। ठीक है, असिस्टेंट इंजीनियर के लिए भी यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की डिग्री चाहिए, फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं जरूर यहाँ पे। अकाउंटेंट के लिए देखिए यहाँ पे BCom वाले भर सकते हैं, BA कैंडिडेट भर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे अकाउंटेंट ही एक ऐसा पोस्ट है जहाँ पे जनरल जो ही जनरल के लिए सभी कैंडिडेट भर सकते हैं पोस्ट के लिए, जैसे कि BCom हो गया, BA हो गया, CA हो गया, फिर उसके बाद आपका SAS जो आपने अगर किया है SAS अकाउंटेंट तो भी कैंडिडेट भर सकते हैं इस फॉर्म को। तो बहुत सारे कैंडिडेट को यहाँ अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। और देखिए यहाँ पे एक्सपीरियंस बस मांगा जा रहा है आपसे 3 साल का। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा अकाउंटेंट में। सुपरिटेंडेंट जनरल की बात कर ले तो यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन डिसिप्लिन विद द रिकॉग्नाइजेशन यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री मांग रहा है सुपरिटेंडेंट जनरल के लिए। जूनियर सुपरिटेंडेंट की बात करें तो डिग्री इन डिसिप्लिन फ्रॉम द रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इन इंस्टीट्यूशन। तो यहाँ पे किसी भी यूनिवर्सिटी से आपका एक डिग्री होना चाहिए।
ठीक है, किसी भी डिसिप्लिन में। हिंदी ट्रांसलेटर के लिए मास्टर डिग्री चाहिए, यहाँ पे देखिए, और बैचलर डिग्री विद द हिंदी और इंग्लिश, ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही चाहिए यहाँ पे, तो आप भर सकते हैं इस फॉर्म को, ठीक है। एक्सपीरियंस की यहाँ पे कोई बात नहीं कही गई है, लेकिन फिर भी यहाँ पे 2 साल का एक्सपीरियंस हो तो आपको सबसे पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा, ठीक है। जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट की बात कर लें तो डिग्री एग्रीकल्चर विद द जूलॉजी केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री से हो तो इस फॉर्म को भी भर सकते हैं आप, ठीक है, एक्सपीरियंस की कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे बाकी सारी चीज़ें तो हो गई एजुकेशन से लेकर, अब यहाँ पे अगर वर्किंग की बात कर लें तो कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज आपका होना चाहिए, जो कि आपके लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकता है। एज क्वालिफिकेशन मैंने आपको हर फील्ड के लिए अलग अलग बता ही दिया है, और जो भी एस सी एस टी या ओ बी सी या फिर कैटेगरी में किसी आते हैं तो उनके लिए यहाँ पे एज क्राइटेरिया का एक सीमा रखा गया है, जिसके अंदर उनको इस चीज़ का फ़ायदा मिल सकता है। चलिए तो दोस्तों इतनी सारी जानकारियाँ थी जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थी, आपको बताना था जो, ठीक है। अब जैसे ही इसका जो पोस्ट निकलेगा आएगा, इसका वैकेंसी है ना, मैं आपको इंटीमेट कर दूंगा जैसे ही इसका लिंक ओपन किया जाएगा, ठीक है। और ये सारी बातें हैं यहाँ पे, देखिए आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड कैसे एग्ज़ाम होगा, इसका पैटर्न क्या है, यहाँ पे सारी चीज़ें बताई गई हैं, तो इन सब को भी डिस्कशन करेंगे हम JTA के फॉर्म के बारे में, जब उसका फॉर्म निकल जाएगा तो विद द सिलेबस एंड द विद द रिमार्क्स हम लेकर आएंगे आप सभी के लिए, ये सारी चीज़ें बता देंगे। अन्यथा आप भी एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा इसका सिलेबस क्या है, कौन कौन से पेपर के लिए, कौन कौन से जोन के लिए आप दे सकते हैं यहाँ से, कौन कौन सा क्या क्या सिलेबस हो सकता है आपका, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। तो मैं ऐसा करता हूँ कि ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, आप भी इस फॉर्म को ज़रूर भरेंगे। तो आज के लिए इतना ही था, हमारे साथ बने रहें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।